राकेश टिकैत जी 9 महीने बाद मुजफ्फरनगर वापस आए हैं महापंचायत में और आप पूरा जीआईसी मैदान भरा हुआ है। राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, मुजफ्फरनगर में पहली बार आपसे बातचीत हो रही है, 9 महीने बाद वापस आए हैं, घर आप फिर भी नहीं जाएंगे, आपने प्रण लिया हुआ है, इस महापंचायत को सफल मानते हैं, कैसा मानते हैं? सफल तो है, पूरी सफल है। यहाँ का व्यापारी का पूरा साथ है, यहाँ का दुकानदार है उसका साथ है, यहाँ के नौजवान का इसमें साथ है और जो लोग यहाँ पाए उनका धन्यवाद है सबको। सर, ये किसान महापंचायत के जरिए आपने मिशन यूपी की शुरुआत कर दी है, क्या कुछ यहाँ से आप लोग कह रहे हैं, तमाम नेता ये कह रहे हैं कि योगी सरकार को हराना है, बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करना है? अब करेगा, जब इनको नुकसान हो रहा है, जनता दुखी है तो उनको वोट नहीं देने की है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप लोग तो ऐलान कर रहे हैं कि तो ऐलान यही तो करे भाई, जनता उनको वोट नहीं दे रही तो बताओ हम क्या करें? हम तो प्रचार करेंगे देश के प्रधानमंत्री का कि 2022 में पहली जनवरी से आमदनी दुगनी हो जाएगी, ये भी प्रचार करो, देश का प्रधानमंत्री का प्रचार करना कोई गलत है क्या? राकेश जी, मुजफ्फरनगर में 2013 में हिंदू मुसलमान दंगे हुए, इसका फायदा बीजेपी को हुआ, आज उसी मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हो रही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एकता की बात हो रही है, आपको लगता है वो किसान आंदोलन में वो खाई पाट दी है? अब खत्म हो, उनका पता चलेगा कि वे लोग कौन कौन थे, ये तो मोहब्बत नगर है, यहाँ से तो शुरुआत हो चुकी है, यहाँ से शुरुआत हो गई, देश में आंदोलन का जन्म हो चुका है, 9 महीने आंदोलन को हो गए तो देश में आंदोलन का जन्म हो गया, ये सारे आंदोलनकारी हैं, अब ये जाएंगे आप अपनी जगह पे, यहाँ से पूरे देश भर में पूरा मैदान भरा हुआ है, सड़कों में जगह नहीं है मुजफ्फरनगर की, आपका गृह जिला है, आपके बड़े भाई नरेश टिकैत बड़ी मेहनत कर रहे थे, आप भी मेहनत कर रहे थे, पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता आपके यहाँ है, देश में दिल्ली और लखनऊ दोनों की नजरें इसी किसान महापंचायत में हैं, सब जगह के यही लोग हैं, ये संयुक्त मोर्चा की महापंचायत है, सारे हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे हैं। अब आगे हम देखेंगे क्या ऐसी किसान महापंचायत यूपी के तमाम दूसरे जिलों में होंगी? हाँ होगी, सब जिलों में, सब जगह होगी, बहुत जगह मीटिंग होगी, पहले उसमें 18 पंचायतें होंगी, 18 पंचायतें क्या बनारस और गोरखपुर में भी होंगी? बनारस तो भाई पीएमओ है, देश में दूसरा पीएमओ ऑफिस बनारस में ही तो है, वहाँ भी होगी, लखनऊ में भी होगी, गोरखपुर में योगी में भी होगी, योगी जी का शहर तो किसान का शहर है, योगी जी का कहाँ से होगा, योगी जी का तो मंदिर है, तो गोरखपुर में होगी। योगी जी तो कहते हैं कि किसान गुंडे हैं, आपके जो है उसमें फोटो भी ट्वीट की बीजेपी ने कि अगर लखनऊ आए तो योगी जी का मॉडल जो सब जानते हैं, उन्हें पता है कि योगी जी आएंगे, आएंगे यहाँ पर, आ गए ना तो यहाँ से आगे वो बढ़ेंगे, यहाँ तो क्या बीजेपी के नेताओं को कैंपेन करने देंगे आप लोग गाँव में जा करके? राकेश जी, जिंदगी आपका बहुत लंबे, राकेश जी ये बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास पर आप लोग बीजेपी को कैंपेन करने देंगे? कैंपेन करने देंगे पूरे देश में जाएंगे, हम तो कह रहे हैं कि भाई वो भी प्रधानमंत्री का प्रचार करें ना, ये 2022 में आमदनी दुगनी होगी, वे भी प्रचार करें, हम भी प्रचार करेंगे, मुद्दा तो एक ही है दोनों का, अलग अलग कहाँ है? महापंचायत के जरिए यूपी मिशन की शुरुआत कर दी आपने? अरे हम तो प्रधानमंत्री का ही तो प्रचार कर रहे हैं भाई, ये सारी संस्थाएं बेच रहा तो ये बताएंगे कि ये चीजें बेच रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री का प्रचार होगा, हर बात में प्रधानमंत्री का नाम लेंगे, ये बेची जा रही है सारी चीज तो ये बताएंगे, कोई गलत चीज है क्या ये बताएंगे? बिजली बिखरी है, जल बिखरा है, तो ये गलत चीज है क्या? हमारे दर्शकों को बताइए एनडीटीवी के जरिए कि आप 9 महीने से यहाँ नहीं, आपने कसम खाई अपने घर नहीं जाएंगे? घर कहाँ जा रहे, हम तो गलियारे में आए हैं, सीधे यहीं आए, इधर जाएंगे, यहाँ से ही चले जाएंगे, मुझे मुजफ्फरनगर की जमीन पर तो पैर नहीं रखेंगे, ये संयुक्त मोर्चे की जहाँ तक मीटिंग है वहाँ तक पैर रखेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे।